हरियाणा विधानसभा के युवा चेहरा गौरव गौतम जो हमारे साथ बात करने के लिए एक्सक्लूसिवली मौजूद है। सर, पहले विधायक फिर मंत्री, पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थे, पार्टी का आशीर्वाद मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला और जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया, सब को लेकर आज हम आपके बीच में हैं। क्या क्या उम्मीदें करें आपसे, क्योंकि युवा चेहरा है तो युवाओं के लिए तो काम करेंगे, लेकिन उसके साथ अपने क्षेत्र के लिए कोई ऐसा काम जो आपने विचार किया हो, शॉर्टलिस्ट किया हो? आने वाले समय में 5 साल बाद पलवल हिंदुस्तान के प्लेटफॉर्म पर अलग दिखाई देगा, ये भरोसा आपके चैनल के माध्यम से देते हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार ने यह दावा किया था कि वो जीतेंगे, लेकिन जीत आपकी हुई। उस क्षेत्र में कांग्रेस को काफी ज्यादा हार का सामना करना पड़ा, प्रदेश अध्यक्ष भी उसी क्षेत्र के आसपास के हैं, वो भी हार गए। व्यक्ति बड़ा नहीं होता, लोकतंत्र में जनता जनार्दन बड़ी होती है। बहुत बड़े बोल थे लेकिन जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। आज पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। कोई पोर्टफोलियो जिसको लेकर आप बात करेंगे? ये माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव, वो तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के गौरव गौतम, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पोर्टफोलियो मुख्यमंत्री डिसाइड करेंगे और मुख्यमंत्री ये फैसला लेंगे कि किसको कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फर्स्ट।